नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। आप देख रहे हैं द टेक टावर चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाला हूँ एमआई के पावर बैंक वर्जन 2 के बारे में, जो कि दो वेरिएंट के साथ में मार्केट में आता है। पहला आता है 10,000 mAh के साथ में, दूसरा आता है 20,000 mAh के साथ में। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 10,000 mAh वाले पावर बैंक की, देखेंगे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और यह पावर बैंक कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं इनके बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। सबसे पहले उन्होंने अपने पावर बैंक के डिज़ाइन को दिखाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एमआई पावर बैंक 2 10,000 mAh। सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एम आई 5 को आप 2.4 टाइम चार्ज कर सकते हो, आईफोन 6 को आप 3.7 टाइम चार्ज कर सकते हो, आईपैड मिनी को 1.4 टाइम चार्ज कर सकते हो। बॉक्स के राइट साइड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 2-वे क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ली पॉलीमर बैटरी के साथ में है, एल्युमिनियम अलॉय और सीएनजी एच के साथ में है। बॉक्स के बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पे कुछ वार्निंग मेंशन है, एक सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, 10,000 mAh एमआई पावर बैंक 2 और MRP लिखी हुई है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट 5 वोल्टेज का है, आउटपुट जो आपको मिलेगा 5.1 वोल्टेज का मिलेगा और 2.4 एम्पियर का, यानी ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तब इस पावर बैंक से उसे क्विक चार्ज कर सकते हो। सिक्योरिटी कोड की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी कोड इसलिए दिया गया है क्योंकि आज मार्केट में MI की बहुत सारी कॉपीज पावर बैंक मिल रहे हैं। सेम टू सेम बॉक्स होगा, सेम टू सेम डिज़ाइन होगी, यहाँ तक कि वेट भी सेम होता है। तो इस सिक्योरिटी कोड के जरिए आपको करना ये है कि आप इसको स्क्रैच करोगे और एमआई की वेबसाइट पे जाकर ये कोड डाल के देखोगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपका पावर बैंक ओरिजिनल है। वर्जन लेने की सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा कि आप इसकी वेबसाइट से जाकर लें, अमेजोन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ तीनों जगह से आप ले सकते हो, 100% आपको वर्जन मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड है। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ दूसरी पैकिंग में रखा हुआ है यहाँ पे पावर बैंक, क्विक गाइड और यूएसबी केबल। तो यूएसबी केबल देखते हैं, पहले वाले वर्जन से तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। क्विक गाइड दी हुई है जिसे आप रीड करोगे तो आपको कुछ नई जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं मेन पावर बैंक की। पावर बैंक दिखने में काफ़ी प्रीमियम है, मैट फिनिश के साथ में आ रहा है और काफ़ी थिन भी है, हैंडी भी है, और अगर हम इसे खुद के पुराने वर्जन के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी हल्का है। जैसे कि आप, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप पावर बैंक अगर इसका पुराना वर्जन वाला देखोगे तो काफ़ी मोटा है और काफ़ी वजनी भी है, लेकिन ये काफ़ी हल्का है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। और साथ में बात करते हैं इसके साथ में क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले इसकी हम वाइट स्लिप को निकालते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको मिलेगा एक क्विक रिलीज बटन, LED लाइट इंडिकेटर, USB पोर्ट चार्जर और USB पोर्ट, जिससे आप आउटपुट लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें इस इंडिकेटर की, इंडिकेटर्स में आपको ये पता चलेगा आपका पावर बैंक कितना चार्ज है, कितना परसेंट चार्ज है, और यहाँ से आप इसे चार्ज करोगे और USB केबल लगा के यहाँ से आउटपुट। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि ऑटोमेटिक है, जैसे आप USB केबल इसमें लगा के अपने फ़ोन के साथ प्लग इन करते हो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और जैसे आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है क्विक रिलीज बटन, इसको आप डबल प्रेस करने के बाद इस पावर बैंक को लो पावर मोड में ले जा सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास है कोई ब्लूटूथ, कोई स्मार्ट बैंड या कोई स्मार्ट वॉच जिसको चाहिए कम पावर, तो आप यहाँ पे उसको डबल टैप करोगे और अपने उस डिवाइस को आराम से चार्ज कर सकते हो, जिससे आपके डिवाइस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा सबसे अच्छी बात इसका ये है कि इसमें 5.1 वोल्टेज और 2.1 एम्पियर को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपने फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपको कंपेयर अगर आप करोगे नॉर्मल किसी पावर बैंक से तो वो चीज़ उसमें नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये पावर बैंक परचेज करते हो तो यूज़ करने से पहले इसको फुल चार्ज करना, उसके बाद इस पावर बैंक के यूज करना और आपका पावर बैंक हमेशा बढ़िया चलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।